हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज है संडे, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आटा, आलू बॉईल करके, प्याज, मिर्ची, थोड़ी सी करी पत्ता और फ्रोज़न मटर, थोड़ा सा ऑयल लेके बस सब रेडी कर लिया है। ये मैंने बॉईल करके मैश भी कर लिया है आलू को, और ये चढ़ा दिया है कढ़ाई। कढ़ाई चढ़ाने के बाद थोड़ा सा तेल इसमें गरम कर लिया है। जैसे ही तेल गरम हो गया, मैं इसमें ज़ीरा, थोड़ा सा सरसों, दोनों अच्छे से तेल में फूट जाएं, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हमारे सारे जो प्याज, मिर्च और करी पत्ता है, ये सब चीज़, और इसको थोड़ा सा लाल हो जाने देंगे। फिर मैं इसमें मटर ऐड करूँगी। मटर फ्रोज़न वाला जो है वो अभी थोड़ा सही हो गया, और अब इसको मैं प्याज के साथ थोड़ा सा भून ले रही हूँ। और आंच थोड़ा सा फास्ट कर लीजिएगा ताकि जल्दी जल्दी से ये हो जाए। थोड़ा सा इसमें मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। ये है नमक। नमक आप अपने स्वादानुसार बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। मैं ज़्यादा मसाले नहीं ऐड कर रही, हल्का सा नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया का पाउडर, सिर्फ मैं इतने ही अभी इसमें ऐड करके, फिर इसमें मैं थोड़ा सा चलाने के बाद आलू मैश किया हुआ इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए, आलू मैंने अच्छे से मैश कर लिए हैं। अब इसको फटाफट से मिक्सर में ऐड कर लेते हैं और एकदम अच्छे से इसको मिला लेते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, मैंने आलू को मिक्सर के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा धीमी आंच में इसको और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा धनिया इसमें हरा वाला ऐड कर दिया मैंने ऊपर से, और इसको थोड़ा देर के लिए हवा के नीचे रख दिया है ताकि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ। आटा जो है नॉर्मल गेहूँ का आटा है। इसमें मैंने नमक, थोड़ी सी अजवाइन, अजवाइन के साथ हल्का सा तेल डाल के मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया है। उसके बाद ये देखिए, मेरा मसाला रेडी है, मेरा आटा रेडी है। बस अब फटाफट से हम लोग अपना पराठा बनाना चालू करते हैं। साथ में मैंने बगल वाले जो चूल्हे पे चाय भी रख दी है ताकि गर्मा गर्म पराठे के साथ गर्म गर्म चाय भी मिल जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। तो मैंने आटे की लोई बना ली है। लोई से ये जो है छोटा सा गोला बना लिया है। इसमें मसाला मैंने फीड भी कर दिया और बना लिए फटाफट से पराठे। अब इसको हम लोग फटाफट से सेक लेंगे। और बस ये देखिए, हमारे गरम गरम पराठे रेडी हैं। इसको मैंने बटर से एकदम चिकना कर दिया है, मस्त बटर एकदम लपेट के आप लगा लो, बहुत ही टेस्टी बनता है। और बस ये मेरा रेडी हो गया है पराठा। आप इसको दही, अचार, जो भी आपको पसंद है उसके साथ बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं, गरम गरम चाय के साथ। ये देखिए, जो आज मैंने बनाया है, ये मेरा अचार, दही और पराठे और चाय का कॉम्बिनेशन है आज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।